अब कौन कौन झूमेगा भैया? बैठ के झूमना समझ में नहीं आता, एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े होइए। होइए होइए, तो बाबा ने इतनी देर आपको बिठा के रखा, थोड़ी देर खड़े भी तो हो जाओ। वैसे भी ज्यादा देर की ये कहानी है नहीं, थोड़ी देर की कहानी है। हो जाओ हो जाओ, आपका नहीं तो स्प्रे मेरे पास है। आप लोग को कौन सी भाषा में निमंत्रण दूं? देखिए चार पांच आती है, अगर कहिएगा तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से निमंत्रण दूंगी। आपका क्या कहूं देवी? दोनों पक्का? हाँ, प्यारा सा मुखड़ा। किसको किसको दरबार में आनंद आ रहा है, उठाइए दोनों हाथ और बिल्कुल मस्ती में झूमते हुए मिलके एक साथ दरबार अपना लगा के समय के बेटा, ये तो दरबार अपना लगा के देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, कष्ट कटे दुखड़े मिले, कष्ट कटे दुखड़े मिले, तो छुटका का सहारा है मेरा श्यामणी, हर का सहारा है मेरा श्यामणी। एक तो तेरे मोटे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे मोटे दूसरा काजल लगा, दूसरा 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 नजरे दीवाने। देखो जो 100% हुए उनके 100% हाथ, जो 50% हुए उनके
50% हाथ, जिनके हाथ नहीं उनकी कोई बात नहीं। और दूसरी बात, सबको कसम है मेरी, देखो ठाकुर की कसम नहीं दूंगी लेकिन मेरी कसम है, दरबार में जितनी देर झूमने का समय है एक बार ऐसे झूमिए कि लगे कि ठाकुर की मस्ती आप पर चढ़ी है। एक बार उठाइए हाथ और झूम के मिलके एक साथ साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो,
जो बोलोगे उनके लिए खुलेगा, जो चुपचाप बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे उनके लिए नहीं खुलेगा। खुला हुआ है, खुला हुआ है, हो खटवाले का द्वार, खटवाले का, खटवाले का द्वार, मिलने वाले का द्वार। फिर न करो न करो इंतजार, फिर न करो न करो इंतजार, सावरे के चरणों में कर दे तू प्यार। फिर न करो न करो इंतजार, सावरे के चरणों से कर दे तू प्यार। खुला हुआ है, खुला हुआ है, और दो नहीं लाइने, हमको हुआ है तुमको भी होगा, हमको हुआ है हो। खटवाले से प्यार, खटवाले से, मिलवाले से प्यार, खटवाले से प्यार। फिर न करो न करो इंतजार, सावन के चरणों से कर दे तू प्यार। फिर न करो न करो इंतजार, सावन के चरणों से कर दे तू प्यार। ये भागे हार और मिल के लेना तीन ताली के साथ, एक तालियां तो बजाओ। कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी, कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी, सब छोड़ दे सब बाबा पर फिर देख समय की रवानी, तू छोड़ दे सब बाबा पर फिर देख समय की रवानी। मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन इसने ठानी, मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन इसने ठानी। खुला हुआ है, खुला हुआ है, हो खटवाले का द्वार, मिलने वाले का द्वार, खटवाले का द्वार, मिलने वाले का द्वार। तेल न करो न करो इंतजार, तेल न करो के चरणों से कर दे तू प्यार। और क्यों संजू इतिहास गवाह है अभिमान यहाँ नहीं चलता, संजू इतिहास गवाह है अभिमान यहाँ नहीं चलता, जो शरणागत हो जाए उनको ही किनारा मिलता, जो शरणागत हो जाए उनको ही का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलता, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलता। खुला हुआ है, खुला हुआ है, हो खटवाले का द्वार, खटवाले का द्वार, मिलने वाले का द्वार, खटवाले का द्वार। तेल न करो न करो इंतजार, तेल न करो न करो इंतजार, सामने के चरणों से कर दे तू प्यार। तेल न करो न करो इंतजार, सामने के चरणों से कर दे तू प्यार।
डरने की डरने की डरने की अपना तो खाटू वाला यही घोड़े वाला अपना तो खाटू वाला यही घोड़े वाला सांवरा भगतों का रखवाला है खाटू वाला भगतों का रखवाला अपना तो खाटू वाला यही घोड़े वाला अपना तो खाटू वाला यही घोड़े वाला सांवरा भगतों का रखवाला है खाटू वाला भगतों का रखवाला यहाँ एक दो तीन चार होली दिवाली दुर्गा पूजा रक्षाबंधन सबके भजन सुना दूंगी पहले पांच मिनट रुक जाओ अच्छा फिर अपने बर्थडे का ना गाऊं दस मिनट की धमाल उसके बाद फिर जैसे आप लोग पूरे भजन गाओ पूरा इतना सुनाती हूँ उसके बाद सब सुन लेना सब कुछ सुन ई कड़ी कड़ी एक अलग तरीके की धमाल जरूरी नहीं है कि धमाल में सब लोग खड़े होकर नाचे ही तभी वो धमाल होती है ये शरीर का झूमना कीर्तन में आनंद लेने का तरीका नहीं है मन का झूमना ज्यादा जरूरी है ये लाइनें सब गाइए उसके बाद फिर जैसा सब लोग को अच्छा लगे वैसे करना मुकेश भैया कॉर्ड दीजिए खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो श्याम प्रभु तेरो में समा गयो बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कठे मेरे से आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कठे मेरे से और आगे दीनानाथ मेरी बात छाने कोनी तेरे से दीनानाथ मेरी बात छाने कोनी तेरे से बाबा
आ रहा है, हाथ नीचे। अगर वाकई आनंद आ रहा हो तो इस बात का प्रमाण ऐसे देना कि दरबार में ठाकुर सामने बैठा है, इससे अपने मन की बात करना, सब मिलके बुलंद आवाज में गाना। मुरलिया घर पे कदम तले झूमे हैं, भगत खड़ा तेरे चरणों ने झूमे हैं, सारी दुनिया वाले यही कहेंगे बड़ा बाबा बाबा बाबा। क्या आपको बड़ी जल्दी पता चला भाई साहब? हाँ, अरे अरे बोलिए तो। हाँ हाँ कहिए हैं। एक का था बस, समझे नहीं भैया, ये थोड़ा बाउंस कर गया। चलिए छोड़िए, ये बाद में कर लेते हैं। हाँ। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? नहीं पता, चलिए आज जान लीजिए। ना ना ना, ये सब तो दो मिनट बोलने वाले तो फिर भी कभी कभार आ जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दो लुगाई एक साथ बैठी और बात ना कर रही हो। दो लुगाई एक साथ बैठी और बात ना कर रही हो, ये दीदी जी तो जब से आई तब से पता नहीं कौन सी बातें खत्म ही नहीं हो रही। अरे मेरे को भी बताओ ना, क्या बात कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मेरे को भैया से भी बात करनी होती, जिससे मेरी सबसे ज्यादा बात होती है, वो दो ही लाइन के बाद में पूछेगी और बताओ, बात खत्म। और आप लोगों की बात ही नहीं खत्म होती। हम लोग पागलों की तरह चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भैया गालो गालो गालो। एक बात बताओ, आप लोग गालोगे तो हमारा क्या फायदा? हमारा पर्सनल क्या फायदा? आपके अकाउंट का बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? या ऐसा है कि जो आपको मिलने वाला होगा वो मेरे को मिल जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं। आप गाओगे बाबा आपकी सुनेगा, हम गाते हैं बाबा हमारी सुनता है, और कोई सुने ना सुने, मंडल वाले जाते जाते तो जिनको सुनना होगा वो तो सुन के ही जाएंगे ना, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है। लेकिन आप लोगों के सामने जब पागलों की तरह कहते रहते हैं भजन गालो भजन गालो भजन गालो, माना कि हम पागल हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। दरबार में सब बैठे हैं, मैंने आते आते यही कहा था कि मेरे अकेले के गाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग नहीं गाओगे तब तक आनंद नहीं आएगा, फिर बाद में बाहर में जाके यही बातें करेंगे मजे को नहीं आयो। वो देखो अरे नहीं होता अंकल, सारे ट्रिक अपना अपना के देख लिए, भाषण ना देना चाहो फिर भी भाषण दे के देख लिया, नहीं सुधरती, मानते ही नहीं है, क्या करें। बोली खाटू नरेश की, लो इतना भाषण सुनने के बाद। एक कड़वी लाइन बोल रही हूं, जिनको बुरी लगे उनसे माफी चाहती हूं। पहली हाथ जोड़ के देखो, हमें जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 5,000 लोग, हमें जरूरत है ऐसे उन 50 लोगों की जो दरबार में बैठे तो ईमानदारी से बैठे, बेईमानी करने मत आओ करो दरबार में। अगर दरबार में आपके आके आपस में ही बात करनी होती है तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेलिटी मत करो, चाहे वो आगे से हो या वो पीछे से हो। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो जाए तो फिर मैं आगे भजन शुरू करूं, जब तक आप लोग बातें नहीं खत्म करोगे तब तक मेरा भजन शुरू नहीं होगा। जिनकी प्रॉब्लम है, जिनकी कोई दिक्कत है, वो तो उनके लिए तो हर जगह से छूट है, लेकिन आपस में जिनकी बात होती रहती है उनका क्या करें? अच्छा ना 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 ना, ना अंकल ना, अरे आप आए हो लेकिन आपकी मेहनत पे ये लोग पानी फेर रहे हैं ना। चलो अभी से पहले क्या हुआ इसको छोड़ते हैं, कहिए तो हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के निवेदन कर रही हूं,
अभी के बाद मत करना, और जिनको करनी हो वो अभी उठ के चले जाए, जाइए आराम से बात करिए। यहाँ पे आपको साउंड में दिक्कत भी हो रही, कान कान में जोर जोर से बोलना पड़ता होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे साउंड है तो कान में जोर जोर से चिल्ला के बोलेंगे, क्या जरूरत है गले को इतनी तकलीफ देने की, हम है ही ना उसके लिए, हम अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं वो काफी है। लेकिन अगर दरबार में बैठे हैं तो अभी से तो पहले नहीं बोला था, लेकिन अभी से कसम है आपको बाबा की, जो किसी ने भी बात करी बिना किसी अर्जेंसी के, अगर अर्जेंट हो तो बेशक करिए, जरूरत है, लेकिन अगर अर्जेंट नहीं हो और आपको लगता हो कि इससे ज्यादा जरूरी आज किसी से भी बात करना नहीं है तो मत करिएगा। और अब गाओ, दीनानाथ मेरी बात छाने कोनी, दीनानाथ मेरी बात छाने कोनी, आंकड़ ली चुरा कर बाबा, आंकड़ ली चुरा कर बाबा, जासी कठे बाबा गहरी गहरी मां सखा के मोमिना जी, मां सखा के मो
बाबा के सामने अरदास लगाई और उसके बाद क्या हुआ? हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर, हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप देख सकते हैं। फूलों की सेज सजा दी रामों से कांटे चुनकर, फूलों की सेज सजा दी रामों से कांटे चुनकर। ये किसकी बदौलत हर सुख हर आराम है, ये किसकी बदौलत हर सुख हर आराम है, आप बताओ। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है। एक बार और बोलो। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। वो कौन है जिसने सबको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, मेरा है। जो जो मानते हो कि मेरा है, उठाइए एक बार दोनों हाथ और मिलके तालियों के साथ। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। तालियां तो बजाओ मिलके, ये आगे से लेके पीछे तक सब लोग मिलके एक साथ। मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियां थी ओझल सी, मुझे याद है बीते दिन वो जब खुशियां थी ओझल सी। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियां थी मुश्किल सी। हर दिन था दुख से मिलना, हर घड़ियां थी मुश्किल सी। फिर किसने आकर उनको दिया विराम है, फिर किसने आकर उनको दिया विराम है, आप बताओ। बाबा तालियां बजाओ। जैया थाने भावे वैया राखो जी सावरिया, जैया थाने भावे वैया राखो जी सावरिया। कौन कौन चाहते हो, कौन कौन डिमांड नहीं करेंगे बाबा से, क्योंकि बाप को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक बार मिलके बोलो एक साथ। जैया थाने भावे वैया जी सावरिया, भैया राखो जी सावरिया। ओ मेहा थारी शरण भाने लागी लगने, मेहा थारी शरण भाने लागी लगने। मारा सावरिया सावरिया, भैया थाने भावे भैया राखो जी सावरिया, भैया थाने भावे
तालियां जोरदार बजाना। कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिलाए। कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिलाए। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चलाए। जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चलाए। कौन कौन बात से सहमत है? ये आगे वाले कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिलाए। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चलाए। वो कौन है जो गिरते को लेता था मैं? वो कौन है जो गिरते को लेता था मैं? आप बताओ। एक बार और बोलो। मेरा शाम है, वो कौन है जिसने सबको दी पहचान है? कोई और नहीं वो खाटू वाला जाम है। वो कौन है जिसने सबको दी पहचान है? कोई और नहीं वो खाटू वाला जाम है। हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में। हमने तो वो भी पाया जो ना था हमारे हक में। सोनू का नाम लिखा है तुमने फलक में। सोनू का नाम लिखा है। हमारी औकात नहीं थी जितना हमें मिला है। मुझे याद है आज भी 2013-2014 की बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे हम और ये सोचते थे कि अगर 30-40 हजार की नौकरी लग गई तो बहुत ज्यादा हो गया। आज भी जब सारे ग्रुपमेट्स और सारे क्लासमेट्स बैठते हैं तो सब जब डिस्कशन होता है कि भैया पैकेज किसका अच्छा है तो मैं बोलती भैया बाबा ने जो मुझे नौकरी दी है ना उसका पैकेज तुम्हारे पैकेज से बहुत ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरबार में और कुछ मिले ना मिले पूरे श्याम परिवार का प्यार जरूर मिलता है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाबा सोचा नहीं था जितना आपने दिया। लोग कहते थे समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिलता है ना किसी को मिलेगा। एक बार उनको खाटू का रास्ता दिखा दीजिए पता चलेगा। समय से पहले और भाग्य और औकात से ज्यादा अगर कोई देता है तो बस मेरा सावरा देता है। सोनू का नाम लिखा है तुमने ही आज फलक में। सोनू का नाम लिखा है तुमने ही आज फलक में। ये किसकी कृपा से चेहरे पे मुस्कान है? ये किसकी कृपा से चेहरे पे मुस्कान है? आप बोलो। मेरा श्याम है। एक बार और बोलो। मेरा श्याम है। वो कौन है जिसने बाबा फक्र होता है ये कहने में कि हम श्याम परिवार के सदस्य हैं और गर्व से कहते हैं तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे। तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे। वरना गली गली में घूमते हो वरना गली गली में घूमते हम बन के बांवरे। अब उठेगा जो मेरा हर कदम तेरे नाम से शुरू। तेरे नाम से शुरू। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम से शुरू। तेरे नाम से शुरू। तेरे नाम पे खत्म।
जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन हो गया। जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक, वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म, वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। बाबा कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, कैसे भूलूं मेहरबानियां, एक अनजाने के वास्ते, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। श्याम गाएगा गुण जब तक दम में है दम, श्याम गाएगा गुण जब तक दम में है दम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से शुरू। एक बार दरबार में जोरदार तालियों से स्वागत, बड़े भैया गोपाल जी अग्रवाल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ऑब्वियसली भैया मेरे राखी के बंधन, बाबा इतना आपने दिया है, आगे भी दो। लेकिन हाँ, अब डिमांड्स चेंज हो गई। अब डिमांड क्या है, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। ओ, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, खाटुवाले ओ खाटुवाले, खाटुवाले ओ खाटुवाले। और बाबा सबसे बड़ी बात, अगर कोई चोरी करता है तो वो भी इसी के लिए, अगर कोई अच्छे काम करता है वो भी इसी के लिए, अगर कोई बुरे काम करता है तो वो भी इसी के लिए। क्या कि भैया कहीं से भी कुछ भी करके हमारा परिवार सुखी रहे। और बाबा अपनी जिंदगी तो आपके हवाले कर ही रखी है, इस लाइन के माध्यम से अपने परिवार को भी आपको सौंपते हैं। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटुवाले ओ खाटुवाले, खाटुवाले ओ खाटुवाले। बाबा आपने इतना दिया, आपने हाथ रखा सिर पे, लेकिन फिर भी एक बात है, क्या क्या मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का। ओ क्योंकि हमारे सिर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सिर पे बोझ परिवार का। ये बोझ कब कम हो जाएगा, जिस दिन आप चाहोगे। मेरा बोझ थोड़ा,
मेरा बोझ थोड़ा तू भी उठा ले खाटुवाले हो खाटुवाले खाटुवाले हो खाटुवाले। और एक बार सब मिलके कहना, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। परिवार मेरा परिवार मेरा बाबा से, कौन कौन अपनी प्रीत जोड़ के आया, एक बार बढ़ाओ दोनों हाथ और मिलके बुलंद आवाज में एक साथ कहना, ना धन दौलत ना ही शोहरत और ना कोई खजाना, ओ हो हो, ना धन दौलत ना ही शोहरत और ना कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना, तार जुड़े जो दर से तेरे टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे। अभी तक आप लोगों की बात हुई थी, अब अपनी बात बताती हूँ, तालियां तो बजाओ। आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी, आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी, ना ये रंग था ना ये ढंग था ना तेरे नाम की मस्ती थी, ना ये रंग था ना ये ढंग था ना तेरे नाम की मस्ती थी, तुमने ही अनमोल बनाई वरना जिंदगी सस्ती थी, तुमने ही अनमोल बनाई वरना जिंदगी सस्ती थी, दिल जल तेरी ज्योति के ओ, दिल जल तेरी ज्योति के परवाने हो गए, ऐ शाम तेरे हो गए, ऐ शाम तेरे जब से दीवाने हो गए, खाब हुए सच सारे गम अफसाने हो गए, खाब हुए सच सारे गम अफसाने हो गए, ऐ शाम तेरे हम जब से दीवाने हो गए, ऐ शाम तेरे हम जब से दीवाने हो गए। रास्ता आसान हुआ है बना जो तू हमरा ही, हर रास्ता आसान हुआ है बना जो तू हमरा ही, जीवन पथ पे साथ तुम्हारा, जीवन पथ पे साथ तुम्हारा छूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे बाबा तू रूठे ना,
खाटू नरेश की जय। बोले श्याम प्यारे की जय। बोले लखता तार की जय। बोले तीन वाण धारी की जय। बोले सांवलिया सरकार की जय। बोले मांगे बिहारी लाल की बी बी बॉम्बे कहीं कहीं बी के चक्कर पे डी दे देते फिर हालत खराब हो जाती। वो भजन जिस भजन के बाद पूरे श्याम परिवार का सबसे ज्यादा प्यार मिला, बाबा की बहुत असीम कृपा हुई। एक बार जोरदार तालियां छोटे भाई अभिषेक माधव शर्मा के लिए जिसने ये भजन लिखा। और बाबा की कृपा से जिस तरह से किसी अच्छी मूवी का पार्ट टू आता है, वैसे इस भजन का भी पार्ट टू आएगा और आने वाला है। उसमें कुछ अच्छी लाइनें भी, कुछ कड़वी लाइनें भी है। दो लाइनें नहीं सुनाऊंगी, बाकी जो है उससे शुरुआत करते हैं। देख लेना भैया, एक बार ऐसे झटका लगा था, हालत खराब हो गई थी, दोबारा मत लगने देना। जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही नहीं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही किसके किसके लिए आया है, किस किसने उसकी कृपा महसूस करी है, एक बार उठाइए दोनों हाथ और मिलके तालियों के साथ। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता ओ, ओ, सिर्फ वीआईपी श्रेणी में बैठने से कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली आप लोग वीआईपी कैटेगरी में बैठे हैं। बाबा ने आपको वीआईपी बनाया, इतने बड़े इतने प्यार से इतने आगे बिठाया, तालियां तो बजाओ, लगे कि जो आपको मिला है उसकी आपको कदर है। रोती हुई आंखों को मेरे शाम जब कोई नहीं आता, सपने हंसता देखा मेरे ख्वाब नहीं देखे, सपने हंसता देखा मेरे ख्वाब नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में
छाले पड़ जाते हैं इस मंजिल को पाने में, छाले पड़ जाते हैं जब कोई रोहित जी, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? आपका तो ठीक है, मुझे कल भी जाना है, कहीं इसके चक्कर में मैं भी इसके साथ ही ना उड़ने लग जाऊं। सच बोली ना, जब आंटी जी को भी ठंडी लग रही है, जब चलाना होता है गर्मी के टाइम पे तक चलाते नहीं हो, अभी ठंडी में ऊपर में एसी चला रहे हो। चलो चलो, सीरियस भजन को भी मजाक में ले लिया। आपको पता है गोपाल भैया, खाटू में दो चार लोगों ने जो वरिष्ठ थे, जो अपने खाटू में जो वरिष्ठ लोगों थे, उन लोगों ने मेरे को एक बात बोली अभी से ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले, रेशमि तुम्हारे नाम के साथ एक टैगलाइन जुड़ गया है। मैंने बोला क्या भैया? मैं तो खुश हो गई कि भैया कुछ अच्छा जुड़ा होगा। बोल रहे तेरे बारे में जैसे, अच्छा लोगों को मुझे रोते हुए देखना भी था और अपने आप एक टैगलाइन भी जोड़नी थी। इंसान जाता वही है जहां वो जाना चाहता है। मैं कुछ भी बोलूं आपकी समझ में वही आएगा जो आप समझना चाहते हैं। तो अभी जो लाइनें गाऊंगी वहीं पहुंचिएगा कोशिश करके जहां मैं आपको पहुंचाना चाहती हूं। अपने मन से इधर उधर की ट्रेन मत पकड़ लीजिएगा। क्या मैंने कहीं पढ़ा था, जो ज़्यादा हंसते हैं, जो ज़्यादा मुस्कुराते हैं, वो डीपली हर्टेड होते हैं, वो अंदर से उतने ही टूटे होते हैं, इसलिए वो अपनी हंसी के पीछे अपने दुख को छुपाते हैं। उनके लिए कि ऐसे लोगों के पास जाइए, उनको गले लगाइए और उनसे एक ही लाइन पूछिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये तो उनके लिए जो रो पड़ेंगे, और ये हमारे लिए, बन जाएंगे जहर पीते पीते। रोहित भैया टोपी हटाओ, ये टोपी के चक्कर में सबने टोपी पहन ली। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। 100 लोगों से पूछेंगे तो 95 लोग एक ही बात कहेंगे, और जो समझ में आता है 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो अपने अपनों से धोखा खा के बैठे, क्योंकि परायों को तो पता ही नहीं होता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है, चोट हमेशा अपने ही करते हैं। उनके लिए राहों के अंधेरों से ये नहीं लड़े हैरान नहीं होना, तेरे साथ है कल, वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे
क्या देखो, ज्यादा मीठी मीठी गाते करनी अच्छी नहीं होती है, ज्यादा जो मीठा खाते हैं उन्हीं को बाद में डायबिटीज हो जाती है, तो थोड़ी कड़वी बात भी हो जाए। चार लाइनें उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भैया ये क्या है, जो लोग आते हैं बस बोलते हैं भजन गाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, और कोई काम ही नहीं है, हाथ उठवाते रहते भजन गवाते रहते, उनके लिए ये चार लाइनें नहीं है। सुनिएगा, भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने, तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने, तू रीझे भजनों से पहचान लिया हमने। और इसीलिए कहते हैं कि भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ, क्योंकि जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं। आगे थोड़ी कड़वी लाइनें, जिसको बुरी लगे वो दो रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा, लेकिन जरूरी। जो भजन सुनाते हैं वही शाम को पाते हैं, वरना यूं तो लाखों पापी प्रेमी कहलाते हैं, यूं तो लाखों पापी प्रेमी कहे। हरियाणा में मैंने ये लाइन गाई, ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर का तलवार अपने सिर पे गिरवा लिया हो। वो एक ताऊ जी आके चौड़े हो गए, अय्या कैया बोल रहे हो थे, यू तो लाखों पापी प्रेमी कहलाते, हम लोग दरबार में बैठे हम लोग पापी हैं। मैंने बोला कि इतने सारे लोग बैठे हैं, आप ही को ये बात क्यों बुरी लगी? ऑब्वियसली 10 जन बैठे हैं, 10 जनों के सामने किसी चोरी की बात हो रही हो, चोर के मन को ही थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा बेचैनी होती है, बाकी जो सही होते हैं वो ठीक है। अगर आपको बुरी लगी है तो डैट मीन्स आप भी इस बात को जानते हो कहीं ना कहीं अपने मन में कि हाँ आपने भी प्रेमी के नाम के पीछे कुछ ना कुछ, मैं क्यों बोलूँ पाप किया। इसलिए अच्छा, इसका दूसरा लॉजिक जो हम देखते हैं, आज लोग पहली बार खाटू जाते हैं और खाटू से वापसी आते टाइम पे सबसे पहले जो चीज़ होगी वो क्या, फेसबुक पे नाम के आगे कोस्ट में आएगा श्याम प्रेमी। वो तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली है, हमारे आपके नाम के साथ अगर बाबा का नाम ना लगा होता तो हमारी क्या पहचान थी, कोई पहचान नहीं थी, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो श्याम प्रेमी, दीवाना श्याम का, लाडला लगदातार का, पागल और पता नहीं कैसे भारी भरकम टाइटल लगाते हैं लोग, उतना तो मेरा वजन भी नहीं है जितना लोग वो टाइटल लगा लेते भारी भारी। क्यों? अच्छा 3 महीने गए तो ऐसे ऐसे लोगों को बताना चालू करेंगे कीर्तन कैसे किया जाता है, जिनकी पूरी जिंदगी कीर्तन करते करते बीत गई, कि देखो जोत में घी ऐसे डालोगे तो बाबा आ जाएगा और ऐसे डालोगे तो बाबा नाराज हो जाएगा, और जहां साल भर गए तो फिर तो मोड़ छड़ी हाथ में आनी है, फिर तो झाड़ा ही लगाएंगे बस। उनके लिए यूं तो लाखों पापी प्रेमी कहे, अच्छे से रिकॉर्ड करना, बाबा आज आपके सामने इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ हमारे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है तभी हम कुछ है, आपका नाम हमारे नाम के साथ ना होता तो ना हमारी कल तक कोई पहचान थी, ना हमारी आज कोई पहचान है, ना हमारी कल कोई पहचान होगी। लेकिन फिर भी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये कह दे कि उसने जीवन में कोई गलती ना करी हो, मैंने भी करी है, आपने भी करी है, सबने करी है, और आज इस चीज को एडमिट करते बाबा आपके सामने कहते हैं, कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूं, कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूं, सिर पे कर्ज है इसीलिए मैं जिंदा हूँ,
इसीलिए मैं जिंदा तुमने भी मुंह फेर लिया तो तुमने भी मुंह फेर लिया तो और कहां मैं जाऊंगा अब तो आकर बांह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा अब तो आकर बांह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु मैं जाऊंगा अब तो आकर बांह पकड़ वरना मैं गिर जाऊंगा ये तीन लाइनें भी आप अपने जीवन में महसूस करेंगे क्या क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया कैसे जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार दिया दुत्कार दिया जाके इसके सामने क्वेश्चन भी रख दिए और बाद में जब काम हो गया तो बाबा को जाके बोला बाबा गलती हो गई हम तो नादान थे आपके बच्चे हैं आप नहीं माफ करोगे तो कौन माफ करेगा मतलब बेइज्जती सबके सामने और सॉरी अकेले में जो जनरली होता है लेकिन बाबा आज हम कहते हैं नादानी की नादानी की आड़ में कब तक नादानी की आड़ में कब तक गलती में दोहराऊंगा अब तो आकर बांह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा अब तो आकर बांह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु अब तो आकर बांह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा एक बार दोनों हाथ सीधे से उठा के बिल्कुल समर्पित करके अपने आप को ठाकुर के चरणों में और बुलंद आवाज में जयकारा बोली हारे के सहारे की बोली लखदाता बोली तीन जो भैया बोलेंगे वो हम करेंगे बोले सच्चे दरबार की है और भैया ने बोला था वो डी करिए भैया अरे बड़ा अच्छा लगता है वैसे शांति से चुपचाप लोग सुनते कितना मजा आता है उनका तो काम ही है जिसको नहीं करना चाहिए वो करते तो जिनका काम है वो तो करेंगे ये सब
सबको समझ में ही आए, लेकिन चलिए सब लोगों ने बोला है तो इसलिए। गुजरी है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते, बीती जो मुझ पे बाबा किसी और पे ना बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठोरना ठिकाना, नहीं ठोरना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम है हारे। तालियां तो बजाओ। किशन भैया आपके तो नाम में किशन है फिर भी कंजूसी, क्या करोगे हाथों का, क्या करोगे बता दो। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब दगाए, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ये दो लाइनें तो सब गाना माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्ही से, सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्ही से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं नवारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। जब हार के गए हर किसी ने तो नहीं, लेकिन जो वाकई श्याम प्रेमी थे उन्होंने क्या समझाया। तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तेरा शाम से नाता है। तालियां बजाओ। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा, तू
तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा। अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है, अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है। भाई साहब प्रेमी को, पब्लिक को नहीं, और वैसे वाले प्रेमी भी नहीं जो साल भर के बाद मूर्छड़ी हाथ में ले लेते, वैसे वाले प्रेमी जो रियल प्रेमी होते हैं। अपने प्रेमी को दुखी न पाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू को घबराता है तेरा शाम से दाता है, तू क्यों घबराता है तेरा शाम से दाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, घबराता है तेरा शाम से जाता है, तू घबराता है तेरा शाम से जाता है, तू क्यों घबराता है तेरा शाम से जाता है, तू क्यों घबराता है तेरा शाम से जाता है। जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है तेरा शाम से नाता है। एक बार दोनों हाथ सिर से जुड़ा के बुलंद आवाज में बोलिए खाटू नरेश की जय हो।